हेलो फ्रेंड्स, युवाम की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं अविनाश शेखावत आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक और इंटरेस्टिंग पजल। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में देखा था कि हमने सीटिंग अरेंजमेंट विथ रिलेशनशिप कैलकुलेट किया था, तो उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट विथ रिलेशनशिप का आप लोगों के लिए और है। देखिए क्वेश्चन को ज़रा, ये है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दिया है हमारे पास टोटल 8 पर्सन है, राउंड टेबल पर बैठे हैं, सेंटर की तरफ फेस है और ये सभी आपस में एम से रिलेटेड है। एम से रिलेटेड है मतलब इन सभी का एम से ही रिलेशन दिया होगा, एम का ब्रदर, एम का सिस्टर, एम की डॉटर, एम का सन, इस तरह से। तो हमें यहाँ पे एम से रिलेशन इनके बताने हैं और कौन पर्सन कहाँ बैठा हुआ है ये चीज़ चेक करके बतानी है। तो नाउ देखो, सबसे पहली इन्फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पर आ रही है, ओनली टू पर्सन, टू पीपल सीट बिटवीन क्यू एंड एल, क्यू और एल के बीच में दो जने हैं। ओके, और हम सबसे पहले इसी को ड्रॉ करते हैं। टोटल हमारे पास टोटल हैं 8 जने, ये हमने 8 जनों की पोजिशन बनाई। Q और L के बीच में दो जने हैं। अब Q और L के बीच में दो जने हैं तो यहाँ पर तो अगर मैं Q को यहाँ ड्रॉ करता हूँ तो मेरा L यहाँ भी आ सकता है, और मैं Q को अगर यहाँ ड्रॉ करता हूँ तो L मेरा यहाँ भी तो आ सकता है इस तरफ से जाने पर। तो यहाँ पर हमारे दो ही चार्ट बनेंगे क्योंकि हमें फिक्स नहीं हो पा रहा है कि Q और L की पोजिशन क्या क्या होनी चाहिए। तो हमने वेरी फर्स्ट टाइम ही दो डायग्राम बना दिए, ड्यूल डायग्राम, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। दो कंडीशन बनेंगी तो हम दो डायग्राम का इसमें यूज करेंगे। नाउ नेक्स्ट देखिए, M सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ Q, M Q के लेफ्ट साइड सेकंड नंबर पे है, Q के लेफ्ट साइड सेकंड नंबर पे M है। Q अगर यहाँ है तो ये पोजीशन M का हुआ, और Q अगर यहाँ है तो ये पोजीशन भी M का हुआ। ये भी चलो ड्रॉ हो गया, सॉरी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज ओनली 3 पर्सन सीट बिटवीन L एंड M सिस्टर, L और M की सिस्टर के बीच में तीन जने हैं। नाउ L और M की सिस्टर के बीच में तीन जने हैं, तो देखो L अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर जो पोजीशन आएगा वो M की सिस्टर का आएगा। देखो इधर से भी तीन है और इधर से भी तीन का ही गैप है, और यहाँ अगर L है तो ये पोजीशन होगा सिस्टर का। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है, M सन सिट सेकंड टू द राइट ऑफ M सिस्टर, M की सिस्टर के राइट साइड सेकंड नंबर M का सन है, सिस्टर के राइट साइड सेकंड नंबर 1, 2, ये पोजीशन हुई M के सन की, और यहां सिस्टर है तो ये पोजीशन होगी एम के सन की। आगे चलते हैं, ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन एम सन एंड एस, एम के सन और एस के बीच में एक जना बैठा हुआ है, एम के सन और एस के बीच में। देखो ये सन है तो एस इधर तो आ नहीं सकता, इसका मतलब ये पोजीशन होगा एस का, और यहां सन है तो एल यहां है तो ये पोजीशन होगा एस का। नाउ नेक्स्ट चलते हैं, जे सीट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ आर, जे आर के इमीडिएट राइट साइड है और आर इज नाइदर द सन नोर द मदर ऑफ एम, आर के राइट साइड में जे है और आर सन या मदर नहीं है एम की, आर के राइट साइड में जे है। देखो आर यहां नहीं आएगा, यहां नहीं आएगा, यहां नहीं आएगा, आर यहां भी नहीं आ सकता क्योंकि आर सन नहीं है। आर यहां हो तो जे यहां आना चाहिए, ये पॉसिबल नहीं है, आर यहां आएगा नहीं, आर अगर यहां हो तो जे यहां आ सकता है, एक ही ऑप्शन बच रहा है हमारे पास आर और जे के लिए। यहां पर अगर हम देखें तो देखो आर यहां आएगा तो जे यहां आना चाहिए, पॉसिबल नहीं है, ये भी नहीं हो सकता, ये हो राइट साइड में जे, आर सन नहीं हो सकता, जे तो सन हो ही सकता है, आगे हमारे पास कोई जगह है नहीं, तो इसके लिए भी हमारे पास दो ऑप्शन हो गए। नाउ नेक्स्ट है, एस एस इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एम्स मदर, एम की मदर की एस इमीडिएट नेबर है, एस इमीडिएट नेबर है एम की मदर की। देखो एस इमीडिएट नेबर है एम की मदर की, तो एम तो यहां है, ये सिस्टर तो ये मदर होना चाहिए, और यहां पर एस मदर है, आर मदर है नहीं, पहले वाली इंफॉर्मेशन में ये गिवन था, तो यहां मदर होनी चाहिए क्यू। नेक्स्ट चलते हैं, ओनली 3 पर्सन सीट बिटवीन एम्स मदर एंड एम्स ब्रदर, एम के भाई और एम की मदर के बीच में तीन लोग हैं, मदर यहाँ पे है तो ये पोजीशन फिर ब्रदर का होना चाहिए, और यहाँ पर मदर अगर यहाँ पर है तो अगेन यहाँ पे भी ब्रदर का ये वाला पोजीशन है, ये एम का भाई। नेक्स्ट है, एम्स डॉटर सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एम्स ब्रदर, एम के भाई के लेफ्ट साइड सेकंड नंबर एम की डॉटर है, एम के भाई के लेफ्ट साइड सेकंड नंबर, यहाँ एम का अगर भाई है तो फिर डॉटर के लिए ये ऑप्शन बचता है, अगेन यहाँ पर ब्रदर है तो ये ही ऑप्शन डॉटर के लिए बचता है।
ठीक है, अभी तक दोनों चार्ट लाइव हैं, कोई सा भी सही हो सकता है इनमें से, अभी नहीं पता हमें। नेक्स्ट है, एम्स फादर इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एम, एम के फादर एम के पड़ोसी नहीं है। ये देखते हैं यहां पर फादर के लिए प्लेसेस हमारे पास देखो कौन कौन से बच रहे हैं, या तो ये या फिर ये। एम के पड़ोसी है नहीं तो यहां तो फादर आएंगे नहीं, इसका मतलब फादर होना चाहिए ये पर्सन। और यहां पर हमारे पास में फादर के लिए देखिए जरा ऑप्शन क्या बच रहा है, या तो ये या फिर ये, दोनों ही ऑप्शन एम के पड़ोसी हैं, इसका मतलब ये चार्ट सही नहीं है क्योंकि एम का फादर इस चार्ट में एम का पड़ोसी आ रहा है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, एम्स वाइफ सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ के राइट साइड थर्ड नंबर पर एम की वाइफ है। के लिए पोजिशन देखो, के इन दोनों में से एक जगह आएगा। के अगर यहां आता है तो राइट साइड 1 2 3, यहां वाइफ नहीं हो सकती। और के अगर यहां हो तो 1 2 3, यस के को यहां रखा जाए तो 1 2 3, ये हो गई एम की वाइफ। और ये लास्ट पर्सन जो है सन जो है वो हमें चेक करना है कौन सा है, सन होना चाहिए। एक बार यहां पे कौन कौन से पर्सन थे वो हम चेक करते हैं। J K L M P Q R S सन। तो देखो ये सभी रिलेशन किससे हैं, ये एम की सिस्टर, ये एम की मदर, एम का सन, एम की डॉटर, एम का फादर, एम का ब्रदर और एम की वाइफ। इसका मतलब एम जो है वो मेल है, वाइफ दिया हुआ ना। ये हमारा चार्ट यहाँ पे कंप्लीट हुआ, हमें रिलेशनशिप अलग से बनाने की जरूरत यहाँ पे पड़ नहीं रही है क्योंकि एम से ही रिलेशन सबके दिए हुए हैं एक दूसरे के, तो हम इसे आराम से इस तरह से बना सकते हैं। तो ये था एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए, सिटिंग अरेंजमेंट अलोंग विथ ब्लड रिलेशनशिप, जिसको कि बहुत टफ मानते हैं स्टूडेंट, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत ही आसान सा पार्ट होता है ये। आई होप कि हमारा सेशन आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा और आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके इसको और अच्छा किया जा सकता है, और हम सेटिंग अरेंजमेंट के जो क्वेश्चन रिलेशनशिप के साथ में आते हैं उन्हें भी काफ़ी अच्छे तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखना है, थोड़ा सा IQ अप रखना है, और पेशेंस रखते हुए हमें काम करना है कि झुंझलाट नहीं होनी चाहिए कि हमारा ये क्वेश्चन ड्रॉ नहीं हो रहा है या हमसे गलत हो रहा है या बार बार टाइम लग रहा है। शुरू शुरू में लगेगा लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस से हम इसे बहुत अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हैं। मिलते हैं कल एक और न्यू पजल के साथ में।